हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूले। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमने पिछली बार बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी को डिस्कस कर लिया था, हमने उसमें फॉर्मूला देखे थे एनर्जी के और उसके यूनिट्स में अच्छे से काम किया था। अब हम चलेंगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो एनर्जी पे फ्रेम होते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी डस अ 100 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम्स इन 2 आवर्स। हमें दिया हुआ है कि अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को यहीं पे पॉज करें और एक बार खुद से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इजी और बेसिक क्वेश्चन है, पर अगर आप इसे सॉल्व करते हैं और खुद से करेक्ट आंसर लाते हैं तो आपके में ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को मेरे अटेम्प्ट करने से पहले आप खुद एक बार पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगेन आई होप कि आपने पॉज करके सॉल्व किया होगा। तो इसमें दिया हुआ है पावर कितना कंज्यूम कर रहा है बल्ब, पावर कंज्यूम कर रहा है 100 वॉट। टाइम दिया हुआ है इन आवर्स, टाइम इन आवर्स इज इक्वल टू 2 आवर्स। ठीक है, तो हमारा एनर्जी क्या होगा, पावर इंटू टाइम, मतलब कि क्या 200 वॉट आवर। ये तो हमारा एनर्जी आया वॉट आवर में। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि जूल्स में कितना होगा तो मुझे क्या करना होगा, 1 वॉट आवर इज इक्वल टू 3600 जूल्स। पिछली क्लास में ही हमने इसको डिराइव किया था, क्योंकि 1 वॉट सेकेंड इज इक्वल टू 1 जूल, आवर्स मतलब 3600 जूल्स, राइट। अब तो ये अगर मेरे को ये 200 वॉट आवर्स कितने होंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एनर्जी 200 इंटू 3600 जूल्स, दैट इज 72 × 10⁴ जूल्स, दैट इज 720 किलो जूल्स। ठीक है, 720 किलो जूल्स। ये काफी बेसिक सा क्वेश्चन था, पर इसमें बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल में भी क्वेश्चन किया जा सकता है। सपोज यहां पे तो एक बल्ब था, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि एक बल्ब है 100 वॉट का, एक एसी है, अगर मैं बोलूं क्या कि यहीं पे साइड में कि एक बल्ब है 100 वॉट का, दूसरा एक एसी है 500 वॉट का, एक बल्ब 100 वॉट का, दूसरा एक एसी 500 वॉट का, ठीक है, ये दोनों चीजें दी हुई है, एक फैन भी है, चलो 300 वॉट का, ये सारी चीज दी हुई है। ऊपर से ये सिर्फ एक रूम का कॉन्फ़िगरेशन है, अगर ये रूम हो जाए कि एक बिल्डिंग का बोल दे कि एक फ्लोर में 4 रूम है और एक बिल्डिंग में एंड एक बिल्डिंग में 3 फ्लोर्स हैं और सब में यही वॉट्स कंज्यूम हो रहे हैं, तो एक दिन में हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है हमारे पास कि एक बल्ब है 100 वॉट का, एक एसी है 500 वॉट का, एक फैन है 300 वॉट का और ये सिर्फ एक रूम का चीज काम है, अगर ऐसे ही 4 रूम है एक फ्लोर में और वैसे ही बिल्डिंग में 3 फ्लोर्स हैं, तो हमारा टोटल एनर्जी कितना होगा एक बिल्डिंग का एक दिन में। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो अभी कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई किया वही सेम करना है हमें और कुछ नहीं, कि मैं लूंगा पहले 100 वॉट, ठीक है,
100 वॉट एक बल्ब का और फिर प्लस 500 वॉट प्लस 300 वॉट, ठीक है, ये तीनों का ये हो गया, इंटू फोर करूंगा चारों रूम का एक साथ ले लूंगा, फिर तीन बिल्डिंग्स का लूंगा और फिर मैं इंटू 24 कर दूंगा पूरे से मल्टीप्लाई। ये तो हुआ कि अगर वो सारे के सारे इक्विपमेंट्स दिन भर चल रहे हैं, अगर मैं साथ में ये भी दे दूं कि ये बल्ब चल रहा था 6 घंटे और ये फैन चल रहा था 12 घंटे और एसी चल रहा था सिर्फ 3 घंटे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबका अलग अलग टाइमिंग लेना पड़ेगा। जैसे कि बल्ब का अगर मैं लूं 12 घंटे, एसी का लूं मैं 3 घंटे और फिर फैन का लूं मैं 15 घंटे, ठीक है। ये यहां पे पावर और आवर्स मल्टीप्लाई हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, सबके इनटू रूम्स से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 रूम थे टोटल, फिर पूरे फ्लोर से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहां पे हमारा आवर्स भी आ गया और पूरा का पूरा रूम्स और बिल्डिंग्स का पूरा कॉन्फिगरेशन कवर होता है। तो आप समझ रहे होंगे कि कैसे आपको एक क्वेश्चन फ्रेम करने वाला कैसे घुमा सकता है और कैसे एक बेसिक से क्वेश्चन पे फ्रेम कर सकता है। तो उसमें आपको कभी भी घबराना नहीं है और सिर्फ वही पावर इनटू टाइम वाला कॉन्सेप्ट लेना है, जितना पावर दिया हुआ है और वो कितने देर तक काम कर रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, और वैसे ही कितने रूम्स हैं, कितनी बिल्डिंग्स हैं, कितनी फ्लोर्स हैं, ये सब हम निकाल लेंगे सिंपल से उस कॉन्सेप्ट से। तो आई होप आप अगर कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन फेस करेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और इजीली सारे क्वेश्चन को उसी स्मॉल लॉजिक से ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन ऑटोमोबाइल बैटरी, कार की बैटरी एक इज चार्ज विद अ कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट करंट से चार्ज हो रहा है। आपको याद होगा कि मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ करंट में बताया था कि बैटरीज हमेशा किसे डीसी से ही चार्ज होती है, तो आप नोट करेंगे कि कांस्टेंट करंट से ही चार्ज हो रहा है। नेक्स्ट, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी इज VT is equal to 10+2T। अब यहाँ पे थोड़ा सा काम पेचीदा हो रहा है कि यहाँ पे वोल्टेज जो आ गया है टाइम वेरिएंट आ गया, मतलब कि वो वैल्यू वक्त के साथ बदल रही है, और यहाँ पे क्या दिया है कि T है, where T is in hours, मतलब हर घंटे वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। मान लीजिए अगर चालू हुआ होगा तो 0 घंटे में इसकी 10 वोल्ट होगी, 1 घंटे बाद वो 12 हो जाएगी, 2 घंटे बाद वो 14 वोल्ट हो जाएगी, ऐसे करके वोल्टेज चेंज हो रहा है। How much amount of energy in kilojoules? Answer पूछ रहा है kilojoules में is delivered to the battery during 3 hours. 3 घंटे में कितनी energy deliver हुई होगी? चलिए, जो given है पहले उसे लिख लेते हैं। I हमारा given है 4 amperes, ठीक है। Voltage given है 10+2T volt, right? आप इसे फिर से एक बार पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए कैपेबिलिटी रखेंगे और काफी अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा अगर आप इसे सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपने सॉल्व करने की कोशिश की होगी। कोशिश मैटर करता है, सही आंसर लाना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक बार आपका कोशिश एक डेवलप हो जाए, हैबिट डेवलप हो जाए कोशिश करने की, तो आंसर सही आ ही जाएगा प्रैक्टिस से, राइट। एंड देन आवर्स टाइम दिया हुआ है हमारा 3 आवर्स। हमको क्या पता है, एनर्जी इज इक्वल टू आई इंटीग्रेशन ऑफ VT इंटू IT DT। ये हमको एनर्जी का फॉर्मूला पता था, ठीक है। अब हमें सबकी वैल्यूज पुट करनी है, राइट। तो वोल्टेज टाइम पहले लेता हूं 0 से 3 आवर्स, ठीक है। मैंने इसको आवर्स में ही कंसिडर किया है, राइट। 3 आवर्स वोल्टेज मेरा गिवन है कितना, 10+2T, राइट। करंट गिवन है मेरा 4 एम्पियर्स, और ये इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये क्या हो जाएगा, 40
प्लस 80 डीटी विथ 0 से 3, ऐसा इंटीग्रेशन हो रहा है। इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो ये आ जाएगा मेरा 40t प्लस 4t स्क्वायर। ठीक है, आप समझ रहे हैं कैसे आया 40t, यहां पे 1 था उसका इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, 40t हो जाएगा और ये हो जाएगा 8t स्क्वायर बाय 2। ठीक है, राइट, ये हो गया, तो ये हो जाएगा 4। अब मेरे को वैल्यू पुट करनी है 3 से 0 से 3 टाइम, राइट। तो अगर मैं इधर करूं इसको सॉल्व, तो ये हो रहा है 40 × 3 प्लस 4 × 3 स्क्वायर, और बाकी अगर 0 पुट करेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा, राइट। तो ये इक्वल टू किसके होगा, 4 × 3 = 120 प्लस 36, राइट। तो ये कितना आया मेरा, ये आ गया मेरा 156 जूल्स। पर अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि ये आपको जानबूझ के पहला ऑप्शन पक्का दिया होगा 156 जूल्स, आपको कंफ्यूज करने के लिए। पर अगर आपको याद हो तो मैंने क्या लिखवाया था, 1 watt second = 1 joules, राइट। पर यहां पे तो टाइम किसमें है, आवर्स में है, आवर्स में है, मतलब कि क्या 1 watt hours = 3600 joules था, राइट। और यहां पे तो मैंने टाइम तो आवर्स में था, और मैं यहां पे जूल्स कैसे लिख सकता हूं फिर, क्योंकि ये तो आवर्स में है, तो मैंने तो इंटू 3600 भी करना होगा ना, तो वो हो जाएगा ये ऑप्शन का, इसका सॉल्यूशन आगे भी बढ़ेगा और वो हो जाएगा 156 × 3600 joules, क्योंकि कैसे होगा, मैंने यहां पे पहले आवर्स में ही सिंप्लीफाई किया ताकि हमारा कैलकुलेशन लेंथी ना जाए, तो 3 में ही मैंने रख दिया। ठीक है, तो यहां पे हो जो रहा था वो हम लोग क्या रहा था आंसर, वॉट आवर में, ये जो वैल्यू थी वो आ रही थी मेरी वॉट आवर में, राइट। करंट इन एम्पियर्स, वोल्टेज इन वोल्ट्स, वॉट आवर, राइट। ये हो गया 3600 जूल्स। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा किलो जूल्स में, मतलब कि क्या 156 × 3.6 किलो जूल्स, राइट। कि मैंने यहां पर इंटू 10^3 को कॉमन ले लिया और ये आ गया 156 × 10 × 3.6 किलो जूल्स। और इसको अगर आप कैलकुलेटर से या फिर मैथमेटिकली भी सॉल्व करेंगे कि 156 × 36 तो ये मेरा आ जाएगा 531.6 किलो जूल्स। ठीक है, अगर आंसर वॉट आवर्स में पूछा होता तो 156 वॉट आवर्स होता, पर मेरा क्वेश्चन का आंसर पूछा हुआ था किलो जूल्स में, इसलिए मैंने 531.6 किलो जूल्स किया, राइट। तो आप समझ गए होंगे कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आंसर पूछा किस में गया है। इसमें हमने टाइम वेरिंग का भी क्वेश्चन देख लिया कि टाइम के साथ एनर्जी का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे और कैसे निकालेंगे। तो अब चलते हैं एक अलग, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा एनर्जी का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आई होप कि आपको ये सेकेंड क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे अगर कुछ कैलकुलेशन एरर हुई होगी तो उसको आप खुद से करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। पर इवेंचुअली ये 156 × 3.6 होगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 6 × 36 यहां पे ये हो जा रहा है हमारा
ठीक है, तो ये हो जा रहा है मेरा 561.6 किलो जूल। ये माइनर से कैलकुलेशन है, चलते हैं आप इसको एग्जाम में केयरफुली सॉल्व करेंगे तो ये रेक्टिफाई हो जाएंगे, इसलिए क्रॉस चेक कर लीजिएगा, राइट। तो अब चले हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मोबाइल फोन विथ 12 वोल्ट बैटरी इज गुड फॉर 10 मिनट्स टॉक टाइम। आपका जो मोबाइल फोन था वो 12 वोल्ट बैटरी का था और वो गुड था 10 मिनट बात करने के लिए। अस्यूम ड्यूरिंग टॉक टाइम बैटरी डिलीवर्स 2 एम्पियर्स ऑफ कॉन्स्टेंट करंट। टॉक टाइम के दौरान 2 एम्पियर का करंट कॉन्स्टेंट डिलीवर हो रहा था, मतलब कि कॉन्स्टेंट वैल्यू था डीसी करंट, एंड वोल्टेज ड्रॉप्स लिनियरली और आपकी बैटरी धीरे धीरे गिर रही थी एज शोन इन फिगर। फिगर दिया हुआ है। फाइंड द एनर्जी डिलीवर्ड बाय द बैटरी ड्यूरिंग द टॉक टाइम। अब उस टॉक टाइम के दौरान कितनी एनर्जी डिलीवर हुई होगी। इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर लेता हूं, वोल्टेज ड्रॉप। ये वाला चीज आपको बहुत से क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, वोल्टेज ड्रॉप। कभी कभी हमें वोल्टेज राइज भी देखने को मिल सकता है। तो आपको याद होगा जब मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज को डिस्कस किया था, तो उस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वोल्टेज में हम सबसे पहले डिस्कस किए थे वर्क को, फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, उसके बाद पोटेंशियल एट अ पॉइंट को डिस्कस किए थे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस को, और उसके बाद लास्ट में हमने डिस्कस किया था रिफरेंस पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज। अब अगर आपको याद होगा तो मैंने क्या किया था, एक ऐसा एक सर्किट लिया था। अब अगर आप अच्छे से नोट्स भी मेंटेन कर रहे होंगे तो आप उस पेज में चले जाइए, और अगर साइड में कहीं पे जगह बची होगी तो इस कॉन्सेप्ट को लिख लीजिएगा। और मैंने कहा था कि ये पॉइंट है ए और ये है बी, और ये था हमारा वोल्टेज वी ए बी, ठीक है। और जो ये वी ए बी था वो क्या था, वी ए बी था वी ए माइनस वी बी, राइट। मतलब कि ये क्या है एक्चुअली में, डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल्स ऑफ टू पॉइंट्स, ठीक है, दो पॉइंट के पोटेंशियल का ये डिफरेंस था। अब अगर मैंने एग्जांपल दिया था 10 वोल्ट का या कोई भी वैल्यू अगर आप ले लें, कि अगर मैं बोलूं कि ये वी ए बी हो 10 वोल्ट, ठीक है, अब मतलब अगर ये 10 वोल्ट है तो वी ए माइनस वी बी 10 वोल्ट होगा। मुझे ये नहीं पता कि वी ए की पर्टिकुलर वैल्यू क्या थी या वी बी की पर्टिकुलर वैल्यू क्या है, मुझे बस इतना पता है कि इसका इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 10 वोल्ट होगा। इसे भी मैंने एग्जांपल से एक्सप्लेन किया था। और अगर ऐसा बोला जाए कि ये जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 10 वोल्ट्स की, इसका मतलब ये है कि पक्का ये वी ए बी, वी ए मस्ट बी ग्रेटर देन वी बी होगा, राइट। मतलब कि वी ए तो पक्का वी बी से बड़ा होगा, तभी ना पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है कुछ, राइट। और मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू भी इसे एक्सप्लेन किया था। तो मैं अगर मैं वी ए बी की तरफ मूव करूं, मतलब पोटेंशियल एट ए टू पोटेंशियल बी अगर मैं जाऊं, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये बोल सकता हूं कि वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। यहां पे मुझे देख के ही पता चल रहा है कि अगर एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो वोल्टेज गिर रहा है यहां, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट से ज्यादा होगा, और अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेजर करूं तो मेरा वोल्टेज गिर रहा है, मतलब कि उसकी वैल्यू ड्रॉप हो रही है। तो
इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर मैं बी से ए तक मूव करूं, बी से ए तक मूव करूं, तो मैं ये लिख सकता हूं वोल्टेज राइज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। ठीक है, तो कभी कभार क्वेश्चंस में मेंशन होता है कि वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज राइज, या कभी कभी तो ऐसे डायरेक्टली एरो भी मेंशन होता है, सिर्फ एरो मेंशन रहेगा, तो उसमें आपको समझना है कि यहां से यहां वोल्टेज राइज हो रहा होगा, मतलब कि बी जो होगा नेगेटिव टर्मिनल में होगा, ए जो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल में होगा, और उन दोनों का जो वोल्टेज होगा वो पॉजिटिव आ रहा होगा, वोल्टेज राइज मतलब कि डिफरेंस उनका पॉजिटिव होगा, या तो फिर वोल्टेज ड्रॉप। तो कभी भी आप वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज राइज देखें तो उसका मतलब कुछ नहीं बस, बल्कि उन पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, और वो दिखाता है कि कैसे वोल्टेज गिर रहा है या कैसे उठ रहा है। ये सेम केस है जैसे कि हम, और ये जो दोनों बोलने के बस अलग अलग तरीके हैं, बाकी मीनिंग उसका सेम है। जैसे कि हमने करंट में देखा था कि ए टू बी अगर आई 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो बी टू ए मैं बोल सकता हूं -5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, और वैसे ही अगर ए टू बी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो मैं ये बोल सकता हूं बी टू ए वोल्टेज राइज हो रहा है। तो अगर आप समझ गए होंगे कि वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज राइज क्या हो रहा है होता है, अब इस चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या हुआ कि वो जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, मतलब कि उस पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस था, जो वोल्टेज ड्रॉप था, वो कैसा हो रहा है वो भी हमें बता दिया गया कि वो लीनियरली हो रहा है। ठीक है, उस वोल्टेज ड्रॉप का नेचर मुझे पता चल गया है कि वो लीनियरली हो रहा है, मतलब कि पहले इनिशियल केस में VAB हुआ था मेरा 12 वोल्ट, VAB पहले था 12 वोल्ट, अब वो धीरे धीरे लीनियरली गिर गया किसमें, 10 वोल्ट में, राइट, कि वो 12 वोल्ट से 10 वोल्ट में चला गया। अब तो अगर हम देखें कि हमारा क्वेश्चन में I दिया हुआ है हमको 2 एम्पियर्स, और टाइम दिया हुआ है, टाइम इज गिवन फॉर 10 मिनट्स, राइट, और एनर्जी मेरा क्या होगा, एनर्जी होगा इंटीग्रेशन वोल्टेज इनटू आई डीटी, ये पिछली बार जैसा ही इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं टाइम को सेकेंड्स में ले चलता हूं, या तो फिर बाद में ले चलेंगे हम डायरेक्टली कैलकुलेशन के बाद, तो ये आई आ जाएगा मेरा बाहर और ये हो जाएगा वी डी टी। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, आई को लिख सकता हूं 2 इंटू वोल्टेज इंटू डी टी, और टाइम इंटरवल क्या है, 0 से 10। अब ये जो इंटीग्रेशन दिख रहा है, आपको पता होगा इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द एरिया अंडर द कर्व, कर्व के अंदर कितना एरिया है वो हमारा दर्शाता है इंटीग्रेशन को। अब मुझे बस इस ग्राफ का एरिया निकालना है, एरिया देखते ही क्लियर हो जा रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, ये है ट्रायंगल। ठीक है, इसका बेस है 10 मिनट्स और इसका विड्थ हाइट है 2, तो एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। वैसे ही ये जो हमारा दूसरा रेक्टेंगल है उसका हाइट है 10 और विड्थ है 10, तो ये भी आ जाएगा 10 इंटू 10। ठीक है, तो यहां पे हमको दोनों के एरियाज मिल गए, मतलब कि एरिया अंडर द कर्व मिल गया। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप कोशिश कीजिएगा ग्राफ से ही डायरेक्टली एरिया निकालने का, ना कि पहले इस लाइन का पहले आप टाइम वेरिएंट टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन लिखें, उस इक्वेशन से हम इंटीग्रेट करें, वो काफी ज्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। आप देखते ही ऐसे एरिया निकाल लीजिएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं,
तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 10, 2 कैंसल हो गया 10, और मैंने मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। 10 इंटू 60 प्लस अगेन 10 इंटू 10 इंटू 60, राइट। तो ये इतना हुआ, इसको मैं लिख सकता हूँ 600 प्लस 6000 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 6600, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 130-200, राइट, ठीक है। और अब मुझे बताइए कि ये वैल्यू किस में आ रही होगी, ये आ रही होगी मेरी वॉट सेकेंड्स में। वॉट सेकेंड्स मतलब कि क्या, ये हो गई वैल्यू 3200 जूल्स में, राइट। ये वैल्यू है जूल्स में। आपको अगर ये अब जूल्स में आ गए तो इसको मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं कितना, 13.2 किलो जूल, ये आ गया 13.2 किलो जूल्स। अगर आपको ये वॉट में, वॉट आवर्स में पूछा होता तो आप क्या करते, इसमें सिर्फ 3600 मल्टीप्लाई कर देते तो आपको ये वैल्यू मिल जाती वॉट आवर्स में, या तो फिर सॉरी अगर ये वॉट सेकेंड में है, आपको पूछा जाता वॉट आवर में, तो आप इसको डिवाइड करते, राइट, 3600 को डिवाइड करते तो आपको वैल्यू मिलता 1 वॉट सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 जूल, और 1 वॉट आवर इज इक्वल टू 3600 जूल्स, ठीक है। 1 वॉट आवर इज इक्वल टू 3600 जूल्स, तो मेरा 130-200 जूल्स कितना होता, 200 जूल्स would be divided by 3600 watt hour, ठीक है। तो ऐसे में आपका आंसर आया था watt hours में। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा मेन मोटिव था कि हम कैसे कर्व को देख के भी घबराएं ना और डायरेक्टली एरिया निकाल लें, और कैसे हम बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए टाइम से टाइम डिपेंडेंट इक्वेशंस को डील करने में। जो पिछला क्वेश्चन था वो भी टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज था, ये भी टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज था, और तीनों केसेस जो हमने लिए एनर्जी में वो हमारे रियल लाइफ एग्जांपल्स थे। जैसे कि पहला मैंने बल्ब में लिया, उसमें भी मैंने आपको ये बताया कि बल्ब अगर ये क्वेश्चन को कैसे एडवांस किया जा सकता है, बिल्डिंग का लेके एग्जाम्पल लेकर और रूम्स का एग्जाम्पल लेके, सिर्फ एक बल्ब फैन और एसी को कंसिडर करके। सेकेंड क्वेश्चन में हमने देखा एक ऑटोमोबाइल की बैटरी को चार्ज होने के लिए कैसे वोल्टेज और कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा होगा। नेक्स्ट थिंग में मैंने देखा एक मोबाइल फोन का बैटरी को कंसिडर करके कि कैसे वोल्टेज ड्रॉप के थ्रू हम एनर्जी कंज्यूम या डिलीवर्ड इन दोज 10 मिनट्स में हम कैसे निकाल सकते हैं। और अगर अब मैं समरी की बात करूं कि अभी तक हमने एनर्जी में क्या क्या देखा, तो आप याद रखेंगे E इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू VIT, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि पावर, अगर ये टाइम वेरिएंट हो तो इसको मैं लिख सकता हूं, ठीक है, और एनर्जी की यूनिट थी जूल्स, और नेक्स्ट है हमारा बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, मतलब कि एक यूनिट जो हमारा था
वो हो जाएगा 1 kWh के इक्वल, और 1 kWh था हमारा 3.6 × 10⁶ किलो, 3.6 जूल्स, राइट। और नेक्स्ट थिंग 1 W/s वाज इक्वल टू 1 J, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैं काफी कंटिन्यूअसली आपको फन फैक्ट्स देके वहां से रिवाइज करवा रहा था कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं सारे अभी तक के पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को एक फन फैक्ट में सिंप्लीफाई करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि 1 कूलम मतलब कि क्या 6.28 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी 1 कूलम को प्रोड्यूस करने में। अगर वो 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करें एरिया, एक क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर से, तो हमारा 1 एम्पियर फ्लो होगा, ठीक है। मतलब कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज या 6.28 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में फ्लो हो तो हमारा 1 एम्पियर प्रोड्यूस होगा। अब उस 1 एम्पियर को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे जो फोर्स की जरूरत थी उस करंट को फ्लो करवाने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो था क्या हमारा 1 वोल्ट, ठीक है। वो फोर्स था हमारा 1 वोल्ट। अब जो ये 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है सर्किट में और 1 वोल्ट के थ्रू जो फोर्स लग रहा है उसके दोनों का मल्टीप्लाई करके हम बता सकते हैं कि पावर कंज्यूम्ड इन अ सर्किट कितना होगा या पावर जनरेटेड इन अ सर्किट होगा 1 वॉट। अब जो ये करंट का फ्लो होना था एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक और जो ये वोल्टेज सप्लाई किया था हमने, तो इसमें जो पूरा वर्क लगा उसको हम बोल सकते हैं 1 जूल। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, करंट, वोल्टेज और पावर और फिर लास्ट में एनर्जी को एक फन फैक्ट से आपका पूरा समराइज कर दिया, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, 6.28 × 18 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज व्हेन फ्लोज थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 कंडक्टर इन 1 सेकेंड, तो वो कितना प्रोड्यूस करेगा 1 एम्पियर ऑफ करंट, और उसके लिए फोर्स जरूरत होगी हमारी 1 वोल्ट, पावर डेवलप होगा 1 वॉट, और जो वर्क डन जितना हुआ वो होगा 1 जूल, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज 1 जूल। तो आई होप आपको यहां तक का कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर होगा। आप ऐसे ही समरीज को डायरेक्टली अपने कॉपी में लिख लेंगे और सारे न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट काफी अच्छे बेसिक्स डेवलप हो जाएंगे। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए best books और test series का link मैंने description में दे दिया है, और अगर आप हमारा Telegram channel join करना चाहते हैं तो उसका link भी मैंने description में और first comment में दे दिया है। तो मिलते हैं next video में, तब तक के लिए have a good day. See ya.